नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को अब आत्मनिर्भर बनने के ऊपर बल दिया जा रहा है, और 2014 में भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया था, तो भारत की बहुत सी लोकल कंपनीज हैं जो पहले डिफरेंट सेक्टर में काम करती थी, लेकिन दोस्तों अब उन्होंने डिफेंस के अंदर भी अच्छा खासा नाम कमाया है, और इवन दोस्तों ये बहुत आगे काम कर रही हैं और दूसरे देशों को भी सप्लाई करने का काम कर रही हैं बहुत सी चीजें। इनके अंदर दोस्तों एक कंपनी आती है L&T लार्सन एंड टुब्रो। दोस्तों अब चाइना के साथ जो टेंशन चल रही है उसके अंदर L&T ने एश्योर किया है कि वह सेल्फ रिलायंट इंडिया यानी कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ पूरी तरह से कमिटमेंट देगी और इसके प्रति वह पूरी तरह से काम करती रहेगी। तो दोस्तों L&T ने अब कहा है कि वह बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया की पॉलिसी के ऊपर स्टैंड करेगी, और इसके अलावा उसने कहा कि वह पूरी तरह से कमिटेड है सेल्फ रिलायंस इंडिया की तरफ और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इसी तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है और मेक इन इंडिया इकोसिस्टम के लिए स्ट्रॉन्गली वर्क करती रहेगी। दोस्तों SN सुब्रमण्यम जो कि CEO और MD हैं L&T के, उन्होंने कहा कि अभी एक बहुत ही दुखद घटना हुई जिसमें हमारे ब्रेव सोल्जर शहीद हुए हैं और पूरी कंट्री की भावनाएं इसके साथ में है और सोल्जर्स के साथ में है। ऐसे में हमें 8 decade हो गए हैं नेशन बिल्डिंग करते हुए, काम करते हुए, और अभी हम बेस्ट इन द क्लास मैन्युफैक्चरिंग दे रहे हैं और मेक इन इंडिया की तरफ पूरी तरह से कमिटेड है और हम इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड के अंदर आगे लेके जाएंगे। और उन्होंने कहा कि इंडिया अपनी डिपेंडेंसी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के ऊपर कम कर सकता है, उसे बिल्कुल खत्म कर सकता है, और जो चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंस है उसे भी हम खत्म कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक लार्ज स्केल पे सिस्टम डेवलप करना होगा और जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और डोमेस्टिक इंडियन इकोसिस्टम को बढ़ावा देता हो मीडियम से लॉन्ग टर्म की तरफ। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी जो एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है यहाँ पर इंडिया के अंदर, वो बिल्कुल सही है सेल्फ रिलायंट होने के लिए और लेस डिपेंडेंट होने के लिए अदर कंट्रीज के ऊपर। और उन्होंने कहा कि वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रति पूरी तरह से सपोर्ट के अंदर हैं और अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने अपने उन प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया जो उन्होंने लोकली बनाए हैं और एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनने के अंदर इंडिया की हेल्प की है। तो ऐसे में दोस्तों उन्होंने बताया कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन भी बनाई है लोकल वेंडर्स की और उनके साथ में पार्टनरशिप करके भी बिजनेस को बढ़ाया है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने 155 MM 52 कैलिबर की जो सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, जैसे कि K9 वज्रा टी गन, वो इंडियन आर्मी को दी है और बताया इसके लिए कैसे उन्होंने सारी चीजें लोकली ही बनाई है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वे लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं जो न केवल एफिशिएंट है बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव सब्स्टिट्यूट भी है पूरी ग्लोबल मार्केट के लिए। और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए वे हर एक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर पिछले 8 दशक से ध्यान देते आ रहे हैं। और दोस्तों L&T जो है दोस्तों मेन उसका रोल जो रहा है वो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर रहा है। हर एक प्लांट के लिए इसने न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाया है जो कि पावर जनरेशन में काम आते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये एक बड़ा कंस्ट्रक्शन हब रहा है, स्पेशली बिल्डिंग्स, मोनूमेंट, फैक्ट्री बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्मॉल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सपोर्टिंग डिफेंस फोर्स के लिए। और इसके अलावा अब इन्होंने डिफेंस के अंदर भी प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों जहां L&T ने काम किया है सिविल के अंदर या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर, तो दोस्तों आप उसका डिफरेंस देखिए, जो सिटीज इन्होंने बनाई है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप किया है, बहुत ही जबरदस्त है, ये चीज माननी पड़ेगी। और इसके अलावा दोस्तों अब डिफेंस सेक्टर के अंदर भी ये बहुत बड़ी चीजें कर रहे हैं। और दोस्तों आपको लगता होगा कि अभी माहौल कैसा है, इधर चाइना से टेंशन है, इधर से COVID-19, तो दोस्तों ये मुसीबत जब आती है कुछ नया लेके आती है। एक तरफ भारत ने पहले ही घोषणा कर दी थी आत्मनिर्भर बनने की, उधर से दोस्तों अब चाइना का चूंकि हमारे ऊपर इस तरह का टेंशन वाला माहौल हो गया है, तो इंडिया ने बहुत सी कम से कम 450 से 500 चाइनीज ऐसी चीजें सिलेक्ट की हैं जिनका अब इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब वो लोकली ही बनेंगी। तो हमें दोस्तों एक तरफ बजट मिला गवर्नमेंट से और आत्मनिर्भर बनने के लिए एक दावा भी किया गया, और अब उसके साथ में दोस्तों मौका भी है और मजबूरी भी है, तो ये चीजें भारत को बहुत आगे ले जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद।